आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इन दिनों आगरा पुलिस के रडार पर सट्टेबाज हैं। थाना कमला नगर पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट सट्टा कारोबार करने वाले 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार सटोरियों के कब्जे से मोबाइल व अन्य सट्टा सामग्री बरामद की। थाना कमला नगर इलाके में आईपीएल के मैचों पर सट्टा लगाया जा रहा था। मोबाइलों पर हर ओवर और गेंद पर लाखों के वारे न्यारे किए जा रहे थे। जानकारी होने पर पुलिस ने शुक्रवार की रात को अपार्टमेंट में फ्लैट पर छापा मारकर 3 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ ही मौके से फरार हो गए। आरोपी सटोरियों से पुलिस ने 10 मोबाइल सहित सट्टा सामग्री बरामद की है। पुलिस महानिरीक्षक महोदय के मार्गदर्शन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आगरा पुलिस सटोरियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई कर रही है। इसी के मद्देनज़र अभी कल थाना कमला नगर क्षेत्र अंतर्गत आईपीएल चलाने वाले सटोरियों पर दबिश देकर उन्हें पकड़ा गया है और इसमें मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से कुल 10 मोबाइल, क्रिकेट सट्टा का रजिस्टर, 700 रुपये नकद, 1 DVD कैसेट और 1 पिन बरामद हुआ है। इसके साथ उनके जो 3 साथी थे उनको भी मुकदमे में नामजद किया गया है और इस प्रोसेस में जो लोग भी संलिप्त हैं उन सबके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए उनको कानून के दायरे में लाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि गिरफ्तार सटोरियों के नाम राजेश यादव निवासी गड़ी जाफी थाना टूंडला फिरोजाबाद, बॉबी यादव निवासी अन्नू एनक्लेव यमुना विहार कॉलोनी कमला नगर और सचिन अग्रवाल निवासी सीताराम कॉलोनी बलकेश्वर कमला नगर की है। राजेश यादव ने यहां पर ब्रजधाम कॉलोनी के अपार्टमेंट में फ्लैट ले रखा है। यहीं से आईपीएल मैच पर सट्टा लगाया जाता था। इनका तरीका ये है कि ये अपना एक इनका मेन सर्वर होता है जिसके माध्यम से वो एक फ़ोन के तौर पे यूज़ करते हैं। वहाँ से इनको रेट्स मिलता है और ये नीचे अपने ग्राहकों को उसी के मुताबिक रेट्स देते हैं और उनसे सट्टा लगवाते हैं। और जो दिन भर का या एक मैच का या एक दिन में 2 मैच है तो 2 मैचों का पुनः हिसाब इनके इस रजिस्टर में दर्ज रहता है और अगले दिन वो लेन देन कैश में करते हैं। जैसे आज जो मैच हो गया इससे किसी व्यक्ति पे कुछ पैसा बनता है, वो 50,000 1,00,000 जो भी बनेगा, अगले दिन उसका फिजिकल ट्रांजैक्शन होता है और वो फिर उस फिजिकल उसको आपस में बांटते हैं जो इनका पहले से तयशुदा मसौदा रहता है उसके मुताबिक। एसपी सिटी ने बताया कि पुलिस पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि वह लोग यूनुस, नौशाद व दिलशाद निवासी भगवान नगर बलकेश्वर के लिए सट्टे का कारोबार करते हैं। यूनुस, नौशाद और दिलशाद अभी फरार है। आरोपित बॉबी और फरार यूनुस पहले भी जेल जा चुके हैं। ये लोग वैसा कोड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इनके पास वो नंबर है जो इनके ग्राहक है, जो इसको वो खिलाड़ी के नाम से जानते हैं, जो सट्टा खेलता है उनको ये लोग खिलाड़ी बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में वो ग्राहक हैं इनके, उनको उनके नंबर इनके पास होते हैं, वो कॉल करते हैं, ये कॉल करके उनसे सट्टा लगवाते हैं, उनको अपने डायरी में अंकित करते हैं और जीत हार का पूरा हिसाब करने के बाद एक दिन का या एक मैच का पूरा हिसाब अपने डायरी में अंकित करते हैं। जो डायरी में हिसाब अंकित होता है उसका फिजिकल ट्रांजैक्शन अगले दिन लोग करते हैं। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 10 मोबाइल, क्रिकेट सट्टा रजिस्टर व डायरी बरामद की है। आरोपियों के मोबाइल कॉल डिटेल्स व डेटा चेक किया जा रहा है जिससे ये पता लगाया जा सके कि आईपीएल के क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाने के लिए आरोपितों के संपर्क में कौन कौन लोग थे। वहीं फरार सटोरी यूनुस, नौशाद और दिलशाद की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।